अज़ीज़ बच्चों, फिर से लॉकडाउन। स्कूल्स के लिए तो कम से कम लॉकडाउन ही है और फिर से हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं, इसलिए फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू करनी पड़ रही है। जी, इसमें हमारी कोई खुशी नहीं है, मजबूरी है, क्या करें। आप लोगों का टच में बना रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए ऑनलाइन शुरुआत की जा रही है। कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, बल्कि भेज ही दें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू कर रहे हैं इंग्लिश चैप्टर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? जैसे ऑन है, एट है, ओवर है, फ्रॉम है, फॉर, सिंस, विद, ये चीज़ें प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। अब इनका इंग्लिश में कोई फिक्स रूल नहीं होता है, हमें ये याद रखना पड़ता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन किस कंडीशन में लगाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस सिचुएशन में एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस आते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है ही इज़ एंग्री स्पेस यू, यहाँ पर आपको कोई प्रेपोजिशन ऐड करना है। करेक्ट, वह नाराज़ है तुमसे। तो यहाँ हमें पता चला कि इस स्पेस में हमें से के लिए एक वर्ड रखना है, हिंदी में से के लिए, है ना। अब से के लिए इंग्लिश में क्या हो सकता है? विद होता है। आपने एंग्री के बाद विद देखा होगा, तो आप यहाँ पर फिक्स कर देंगे ही इज़ एंग्री विद यू, दैट्स राइट। अब अगर आपको कहना है कि एक बंदा गुस्सा है, एक बंदा गुस्सा है, क्रोधित है, लेकिन किसी इंसान पे नहीं है, किसी चीज़ पे है, जैसे वेदर, यानी कि मौसम। ही इज़ एंग्री विद वेदर, गलत हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ से नाराज़ हैं, किसी चीज़ पर गुस्सा है, तो आपको वहाँ ऐट का प्रयोग करना होगा। और अगर आप किसी इंसान से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, तो आपको वहाँ विद का प्रयोग करना पड़ेगा। बस याद रखिए कि एंग्री के बाद से की अंग्रेज़ी या तो विद होती है या ऐट होती है। ऐट तब होती है जब चीज़ हो, मतलब कोई बेजान चीज़ हो। विद तब होती है जब कोई इंसान हो, कोई जानदार चीज़ हो। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, एंड दिस इज़ अग्री एंड अग्री। यू नो, दोनों में एक ही है, अग्री और अग्री। एक जगह यू है और दूसरी जगह पॉइंट है, बस। आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे यहाँ पर एम और लगा देते हैं, आई एम एग्री विद यू। बेटे, एंग्री के साथ एम इज़ एम आर आता है, एग्री के साथ नहीं, क्योंकि एग्री ऑलरेडी एक वर्ब होती है। इज़ एम आर उन चीज़ों के साथ लगाया जाता है जो वर्ब नहीं होती हैं या आई एन जी फॉर्म में होती हैं। खैर, तो आई अग्री विद यू, अगर आप किसी इंसान से सहमत हैं तो आप अग्री के बाद विद का प्रयोग करेंगे, और अगर आप किसी बात पर सहमत हैं तो आप अग्री के बाद एट का प्रयोग करेंगे। आई अग्री एट दिस पॉइंट, मैं इस बात पर सहमत हूँ। तो फिर से देख लीजिए, अग्री अगर आप किसी इंसान से हैं, किसी इंसान से सहमत हैं, तो उस से की अंग्रेज़ी विद, किसी बात पर सहमत हैं तो उस पर की अंग्रेज़ी एट। रिमेंबर दैट पॉइंट एंड नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक। ही कंप्लेंट प्रिंसिपल, ही कंप्लेंट हिज क्लासमेट्स। उसने शिकायत की प्रिंसिपल से, उसने शिकायत की अपने साथी की। आप महसूस कीजिए, प्रिंसिपल से शिकायत की जाती है। हाँ, सम रेयरली केसेस होते हैं जहाँ आप प्रिंसिपल की भी शिकायत कर सकते हैं, मैनेजर वगैरह से, लेकिन मोस्टली केसेस में उसने शिकायत की प्रिंसिपल से, उसने शिकायत की अपने बैचमेट की। तो जब से की बात हो, जिस बंदे से आप शिकायत कर रहे हो, तो वहाँ कंप्लेंट के बाद आपको टू लगाना होगा। ही कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, जिस बंदे की आप शिकायत कर रहे हो उससे पहले आपको अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, हिंदी में बोले तो खिलाफ। ही कंप्लेंट टू प्रिंसिपल, ही कंप्लेंट अगेंस्ट क्लासमेट्स। आप इस सेंटेंस को मिक्स करके भी बोल सकते हैं, जोड़ के भी बोल सकते हैं। ही कंप्लेंट टू प्रिंसिपल अगेंस्ट हिज क्लासमेट्स, उसने प्रिंसिपल से शिकायत की अपने क्लास के बच्चों की या अपने क्लास के बच्चों के खिलाफ। तो इस तरह से आप समझ गए, जिससे शिकायत की जाती है उसके उससे पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसकी शिकायत की जाती है उससे पहले अगेंस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, एंड दिस इज टॉकिंग। ही इज़ टॉकिंग मी, मतलब हुआ वह मुझसे बात कर रहा है।
तो जब आप से कहेंगे टॉक के बाद, तो वहाँ पर से की अंग्रेज़ी आप टू लगाएंगे। मतलब टॉक के बाद टू तब आता है जब आप किसी बंदे से बात कर रहे हों। टॉक के बाद कुछ और आता है जब आप किसी बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही इज़ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। मुझसे बात करो टॉक टू मी, मेरे बारे में बात करो टॉक अबाउट मी। सीधा सीधा है, अबाउट का मतलब वैसे भी बारे में होता है। तो इस तरह आप समझ गए कि एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन कब लगते हैं, जब उनकी सिचुएशन अलग अलग होती है। बस अब आप एक एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा होगा, सिंपल। तो चलिए अब एक फाइनल सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या करना है। आई बिलीव यू, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। तो जब आप बिलीव का मतलब लेते हैं विश्वास करना, भरोसा करना, तब यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन आप नहीं लगाते हैं। रिमेंबर दैट पॉइंट। इस बिलीव के बाद आप इनका इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको क्लैरिटी दूंगा कि इसमें इन क्यों लगाया गया है। आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, मैं खुदा में विश्वास करता हूँ। लेकिन ये विश्वास करना इस विश्वास करने से बहुत ज़्यादा अलग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। आई बिलीव यू का मतलब है कि मुझे विश्वास है तुम पर, यानी कि मुझे विश्वास है कि तुम गलत नहीं हो, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे विश्वास है कि तुम मेरी मदद करोगे, मुझे विश्वास है कि तुम सही हो। तब आप बिलीव के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन आई बिलीव इन गॉड का मतलब होता है कि मुझे विश्वास है कि खुदा है। अगर यहाँ गॉड की जगह आप गॉस्ट लगा देते हैं, तो मतलब होता है मुझे विश्वास है कि भूत होते हैं। तो जब आपका विश्वास होता है कि एक चीज़ है या नहीं है, देन यू यूज़ बिलीव एंड आफ्टर बिलीव दिस इज़ इन। रिमेंबर दैट पॉइंट ऑलवेज। जब आपको ये विश्वास होता है कि एक चीज़ होती है या नहीं होती है, तब आप बिलीव के बाद इन का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको विश्वास होता है कि एक बंदा सही है, गलत नहीं है, वो उसका साथ देगा, सच्चा है, इस तरह से कुछ विश्वास होता है, तब बिलीव के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। आई बिलीव इन गॉड का मतलब है कि मुझे विश्वास है, मैं मानता हूँ कि खुदा है, मैं मानता हूँ कि भूत होते हैं, वैसे मैं मानता नहीं। तो खैर, इस काम को अपनी नोटबुक में लिखिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए।